हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। निशा भाटी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? तो आज मैंने ब्लॉग किया है सुबह से शुरू, 8 बज चुके हैं और आज हम बहुत ही लेट जागे थे क्योंकि आज है संडे। सुबह 7 बजे मैंने बच्चों को उठाया था और मैं भी उठी और देखिए सारा काम मेरा फिनिश हो चुका है। मैं बना रही हूँ कढ़ी, तो अभी मैं नहाई नहीं हूँ। तो बच्चों ने बोला, मम्मा पहले कढ़ी चावल बनाओ फिर उसके बाद नहाना। तो मेरा काम तो पूरा जाता पूरा हो चुका है। तो देखिए मैं बनाऊंगी अभी कढ़ी, तो आप लोगों के साथ भी मैं वो रेसिपी शेयर करूंगी। और आप देख सकते हैं मेरी झाइयाँ बिल्कुल जा चुकी हैं उस क्रीम से। आप लोग के भी कोई भी चेहरे पे दाग धब्बा या कुछ भी है, पिंपल्स वगैरह, तो आप मुझे बताएं कमेंट करके। उस क्रीम को आप लेके आए और ट्राई करें क्योंकि मेरे भी काफ़ी पिंपल्स वगैरह और झाई भी थी। तो देख सकते हैं आप, मेरा चेहरा बिल्कुल क्लीन हो चुका है उसी से। ये देखिए पूरा चेहरा क्लीन हो गया है और झाई भी बिल्कुल जा चुकी है। तो फ्रेंड चलिए बनाते हैं अभी कढ़ी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी किस तरीके से बनाऊंगी मैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ली थी चाय, आप दही भी ले सकते हो और उसमें मैंने बेसन डाल लिया है और बेसन आप अपने अनुसार डाल सकते हो। और मैंने अभी ताज़ा निकाली थी, देख सकते हैं आप, इसमें मक्खन भी लगा हुआ है। इसमें मैंने थोड़ी हल्दी और मिर्ची पाउडर यही डाला है अभी। और इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस के ऊपर और इधर मैंने हरी मिर्ची और प्याज और साबुत लाल मिर्ची, इसको मैंने तेल में, थोड़ी सी मेथी ली थी पहले मैंने मेथी में, इसको पहले मैंने मेथी डाली, फिर उसके बाद मैंने वो लहसुन अदरक और जीरे को मैंने मिक्सी में पीस के थोड़ा सा वो डाला है। और उसके बाद मैंने प्याज को और हरी मिर्ची को भूना है और थोड़ी सी डाल दी है, मैंने 2 डाल दी है लाल मिर्ची, आप देख सकते हैं। और गैस को कर लेंगे हम फुल और इसको पहले हम इसको मिला लेंगे अच्छे से। ये देखिए इसको हमें अच्छे से मिलाना है पहले, तब हम उसको इसको छोंक देंगे। और इसमें मैं बनाऊंगी इसे पकौड़े वाली, गैस को थोड़ा धीमा कर देंगे तब तक। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से भुन चुकी है और इसमें अभी हम गैस को थोड़ा तेज कर देंगे और इसमें हम डाल देंगे, देखिए हमने अच्छे से घोल लिया है, और नमक हम डाल देंगे बाद में। ये देखिए इसको हम इसमें छोड़ देंगे और इसको अभी तब तक ये अच्छे से गर्म ना हो जाए तब तक इसे चलाते रहना है। ये देखिए हल्दी का कलर आपको इसका उबाल आने के बाद में दिखेगा, क्योंकि हल्दी कितना भी डाल लो आप पहले तो हल्दी का कलर तभी दिखता है तब इसमें अच्छे से उबाल आ जाता है। देखिए इसको अभी चलाते रहना है, अभी इसको हम गर्म होने देंगे, तब तक हम बना लेंगे इसके लिए थोड़े से पकौड़े। वो हम किस तरीके से, वो तो आप लोगों को सभी को पता है। बेसन में नॉर्मली थोड़ा सा बेसन लेके हल्दी मिर्ची नमक डाल के उसको ऐसे ही फ्राई कर लेना है तेल में, और तब कढ़ी पूरी बन जाए तब उस पकौड़े को इसमें डालना है। तो संडे को मैं हर संडे को ज़्यादातर मैं कढ़ी ही बनाती हूँ क्योंकि बच्चों को भी और हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है कढ़ी। और मैंने ये लस्सी भी ताज़ा निकाली थी अभी। और इसमें खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है लहसुन की, और जो मैं लहसुन और अदरक और जीरे को एकदम अच्छे से पीस के डालती हूँ उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है सब्ज़ी में। आप भी डाल के देखें, आप मिक्सी में ना पीसें तो उसे कूट के ईमानदस्ता में कूट के भी डाल सकते हैं अच्छे से, और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है सब्जी में। तो इसको उबलने देंगे, तब तक हम बना लेंगे पकौड़े। तो देखिए फ्रेंड्स, कढ़ी में उबाल आने लगा है, आप लोग देखिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें कलर जब हम उबाल आने लगता है तो कलर अच्छे से आ जाता है, आप देख सकते हैं कलर बिल्कुल आ चुका है इसमें। और इसको ऐसे अब चलाना छोड़ देंगे। और मैंने इधर बेसन घोल लिया है, इसमें आलू वगैरह कुछ नहीं डालने हैं, आलू मैं डालूंगी थोड़े से लेकिन अलग से फ्राई करके डालूंगी। ये देखिए, और इसको हम बनाएंगे इधर से पकौड़े, इस तरीके से चम्मच से छोड़ना है। देखिए फ्रेंड्स, अभी ये कढ़ी बन चुकी है और अब इसमें हम 15-20 मिनट तक ऐसे ही उबाल आने देंगे। तब तक इसके ऊपर अच्छे से मलाई नहीं आ जाएगी, तब तक इसको ऐसे ही बनते रहने देना है, उबलते रहने देना है।
देखिए इसी तरीके से बनते रहना है और इसमें मैंने डाल दिए हैं, ये देखिए ये मैंने निकाल लिए हैं पकौड़े। इसके लिए क्या है, आलू वगैरह नहीं डालते इसमें, तो ऐसे ही बनते हैं इसके कढ़ी के लिए जो पकौड़े बनते हैं वो इसी तरीके से बनते हैं। तो देखिए अच्छे से, और अब मैं गैस को कर दूंगी धीमा और मैं अपना काम कर लूंगी, जो मेरा बाकी था बर्तन वगैरह वो कर लूंगी और इसको हम उबलने देंगे अभी इसके। और इसमें मैंने आलू भी डाल दिए हैं, ये देखिए पतले पतले आलू को मैंने फ्राई करके और डाल दिया है। देखिए इसको हम उबलने देंगे अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड्स कढ़ी बन चुकी है अच्छे से और मैंने इसमें पकौड़े भी डाल दिए हैं। ये देखिए कितने अच्छे से कलर आया है और कितनी टेस्टी भी बहुत ही बनी है ये। इसमें बस क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया था, लहसुन और अदरक और जीरे की जो खुशबू आती है वो बहुत ही अच्छी लगती है। ये देखिए और इसमें आलू भी डाल दिए थे मैंने, चावल के अनुसार मैंने इसको बनाया है, थोड़ा ज़्यादा मतलब कि हल्की सी तरी वाली ही बनाया है मैंने इसको, ज़्यादा गाढ़ी नहीं की है, ये देख सकते हैं आप। देखिए फ्रेंड्स अगर आपको ये भी कढ़ी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और आप भी बताएं कैसी बनी ये। देखिए गर्मा गर्म कढ़ी आप लोग भी खाइए। तो फ्रेंड्स कढ़ी बन चुकी है जैसे कि आप लोगों ने देखा, उसका तरीका भी देखा मैंने किस तरीके से उसको बनाया है। और अभी मैं बनाऊंगी थोड़े से चावल, ज़्यादा नहीं, लेकिन हम लोग चावल कम खाते हैं, रोटी ही बनाऊंगी मैं तो अपने लिए, लेकिन बच्चों के लिए बनाऊंगी थोड़े से चावल। और मैं कुकर में ही बना देती हूँ, सीटी लगवा देती हूँ, दो सीटी में अच्छे से बासमती जो चावल होता है वो अच्छे से एक एक चावल बन जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो हो रही है ज़्यादा बड़ी क्योंकि अभी हम छोटी छोटी वीडियो ही डाल रही हूँ, मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं डाल रही हूँ। उसके बाद में अगर मेरा ये आप लोगों को सपोर्ट रहा तो मैं बड़ी वीडियो भी डाल दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स अभी करेंगे हम वीडियो का एंड और आप लोगों को मैं अगली वीडियो में बताऊँगी कि मैं फेशियल घर पे ही फेशियल करती हूँ और किस तरीके से करती हूँ, सारा कुछ मैं आपको स्टेप बाई स्टेप समझाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं वीडियो का एंड। और मेरी एनिवर्सरी आने वाली है आप लोगों को पता है, जैसे कि मेरे हस्बैंड ने मेरे को गिफ्ट पहले से एडवांस में दे दिया है फ़ोन, मुझे बहुत अच्छा लगा इस फ़ोन को लेके और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पास अभी दो फ़ोन हो गए हैं, पहले वाले में मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ निशा भाटी ब्लॉग वाली, इसको मैं पुराने वाले फ़ोन में बनाती हूँ, और जो मैं निशा भाटी के लिए जो निशा भाटी मेरा चैनल है उसके नाम से उससे मैं नए वाले फ़ोन से उस वीडियो को बनाती हूँ। और जो मैं आज वीडियो डालने जा रही हूँ, क्योंकि जो मैंने कल वीडियो डाली थी संडे को जो मैं, आज भी संडे है लेकिन ये वीडियो जाएगी मंडे को आपके पास मेरी वाली, लेकिन मैंने संडे को वीडियो डाली है एम्ब्रॉयडिंग कढ़ाई की, मशीन से किस तरीके से करते हैं एम्ब्रॉयडिंग कढ़ाई, तो आप लोग ज़रूर देखें उसे निशा भाटी चैनल पर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं वीडियो का एंड और मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ में, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ।